हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, अभी अभी मैं अपने एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैथ का, मैट्रिक का। और अल्लाह पाक के शुक्र से मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ मेरा 100% एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, एंड दिस इज़ माय पेपर। तो गाइस, मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला होने वाला था कि मेरा पेपर कैंसिल होने लगा था। मैंने अपना सारा पेपर किया हुआ था, लेकिन एंड पे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पेपर पूरे का पूरा कैंसिल होने वाला था और मेरा फ्यूचर बर्बाद होने वाला था। जो मैंने सारे साल इतनी मेहनत करा थी वो सारी बर्बाद होने वाली थी। तो एक्चुअली हुआ ये कि आज मेरा मैथमेटिक्स का पेपर था। तो जो आप में से स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मैथमेटिक्स का पेपर टाइम से बहुत जल्द पहले ही होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पेपर होता है और अगर आपको आता हो तो ये इजीली हो जाता है। तो पेपर तकरीबन टोटल 3 घंटे का था, तो मैंने तकरीबन 2 घंटे और कुछ मिनट तक मैंने अपना सारे का सारा पेपर कर लिया था। और मुझे उम्मीद है कि मेरे 75 में से 75 मार्क्स ही आएंगे, बट मैं किसी को पेपर करवाने के चक्कर में मेरा पेपर कैंसिल हो रहा था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जिस रो में मैं इसी रो में बैठा हुआ था, तो मेरी लेफ़्ट साइड पे एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो किसी और स्कूल से था। तो उसने वैसे घर वाले कपड़े पहने हुए थे, मैं तो अपनी स्कूल की वर्दी पहन के गया था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपना सारा एग्ज़ाम कर रहा था, जब सबसे पहले मैं MCQs पेपर दिया जाता है 20 मिनट के लिए। MCQs पेपर आया, मैंने MCQs जल्दी जल्दी लगा लिए, मेरे पास टाइम था, तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो बेचारा इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा चलो यार, इसे भी थोड़ा करवा देते हैं। तो मैंने उसे MCQs तो सारे करवा दिए। देन सब्जेक्टिव पेपर मेरे पास आया और मैं शुरू हो गया पेपर करना। पेपर मैंने सारे किए, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। इसी तरह मैंने तकरीबन 2 घंटे में अपना सारे का सारा पेपर कर लिया था और मेरे इंशाल्लाह 75 मार्क्स का पेपर था और 75 में 75 ही आएंगे, क्योंकि MCQs मेरा कोई गलत नहीं है, बाकी तो सारे ठीक हैं। तो भाईजान, मैंने जब अपना पेपर कर लिया था, तो मैंने उस लड़के की तरफ देखा, तो वो इधर उधर देख रहा था और मुझे वो थोड़ा नालायक सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसे पेपर करवा देते हैं, चलो ये भी पास हो जाएगा। तो मैथ के पेपर में ये होता है कि अगर आपको फार्मूला आता हो और एंड पे आंसर ठीक लिख दो, तो एग्जामिनर आपको कोई ना कोई मार्क्स दे ही देता है। मैंने उससे फार्मूले बताता था हर क्वेश्चन के आंसर के और एंड पे रिजल्ट बताता था, और वो ऐसे ही करता गया। और देन एंड पे तकरीबन 20 या 15 मिनट रह गए थे पेपर ख़त्म होने में, तो अचानक ना बोर्ड से टीम आई चेकिंग के लिए कि बच्चे ने अपने पास चीटिंग मटेरियल तो नहीं रखा हुआ। तो मैं उसे पेपर करवा रहा था और मैं गेट के बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ था, ठीक है, तो डोर के साथ ही। तो वो आए, उन्होंने मुझे कहा चल खड़ा हो जा, और अपने उन्होंने मुझे देखा नहीं नकल करवाते हुए, बस उन्होंने मुझे कहा कि अपनी चेकिंग करवाओ। उसने मुझे कहा कि शूज़ उतारो, मैंने अपने शूज़ उतारे। फिर उसने कहा अपनी जुराबें उतारो, मैंने जुराबें उतारी। उसने फिर देखा कि इस बच्चे ने यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये किसी अच्छे स्कूल का प्राइवेट स्कूल का बच्चा होना, तो शक्ल से भी थोड़ा शरीफ लगता है। उसने मुझे कहा चलो बैठो, तुम पेपर करो। दो मेरे साथ जिसे मैं चीटिंग करवा रहा था, जिसको उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। वो तकरीबन घर से कोई कपड़े से पहने हुए थे और वो लग भी नहीं रहा था इतना पढ़ने लिखने वाला। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उन्होंने उसकी तलाशी लेना शुरू की। गाइस, मैं कहता हूँ उसके पास से चीटिंग मटेरियल निकला, उसने पेजेस पे मैथ के क्वेश्चंस आंसर्स लिखे हुए थे। मैं इतना हैरान हो गया, यार ये बंदा चीटिंग कर रहा है। तो देन क्योंकि मैं 3 घंटे जो उस बंदे के साथ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि इसने चीटिंग की है, लेकिन एग्जामिनर्स आए, उन्होंने देखा और उन्होंने पकड़ लिया उसे। और मैं डर रहा था, यार शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना मेरा पेपर भी कैंसिल कर देते। और उसे वो ले गए, फिर उन्होंने जो हमारा एक सुपरिटेंडेंट होता है उसे कब बताया, और फिर उसका पेपर कैंसिल किया, उसका फ्यूचर भी सारा ज़ाया हो गया। देन पाकिस्तान में चीटिंग, बल्कि कहीं भी चीटिंग करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो कभी चीटिंग मत करना। आप किसी को चीटिंग करवाने के चक्कर में यार आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है किसी से चीटिंग ना करवाना। देन वो मेरा गुजरा वाला बोर्ड है,
और वो गुजरांवाला बोर्ड में अगले 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे सकता, वो किसी और बोर्ड में जाके मैट्रिक के एक साल फिर ज़ाया करके एग्ज़ाम देगा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने फ़ौरन पेपर पकड़ा, अपने जो मेरा इन्विजिलेटर था मैंने उसे पेपर दिया, मैं जी भाई वापस आ गया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो ये थी आज की सारी स्टोरी के किस तरह मेरा इतना अच्छा पेपर कैंसिल होने वाला था, शुक्र अल्लाह पाक अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वैसा चीटिंग करवाते हो, चलो एक तो कैसे बंदा करवा ही देता, बट किसी को यानी अपने दोस्त वगैरह को करवाया करो, किसी अजनबी बंदे को, या वो भरोसा किसी का नहीं होता। और मैं जानता हूँ कि यार आज मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ। तो यार अभी 2 पेपर्स रह गए हैं, फिर मैं कहता हूँ मैट्रिक ख़त्म और फिर कॉलेज में जाएंगे, आपका भाई कॉलेज में पढ़ूँगा मैं। तो यार बड़ा अच्छा स्कूल का एक्सपीरियंस था, मैंने पहले भी बताया है। तो अब 2 पेपर्स होते हैं और फिर कहीं चलेंगे, मैं कहता हूँ इंजॉय करने के लिए किसी कोई शहर घूमेंगे पाकिस्तान का। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।